यमी यमी सा दिखने वाला चॉकलेट केक, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यम। आइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज हम बनाएंगे एक कॉफी केक। टी टाइम केक मैं आपको सिखा रही हूँ, बट ये मल्टीपर्पज केक है, आप जैसे मर्जी इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे पेस्ट्रीज भी बना सकते हैं, आप इसे ऊपर गनाश डाल के आप इसे बर्थडे केक भी बना सकते हैं, आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। सीखते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्विक एंड इजी। चलिए सीखते हैं कैसे बनाना है, देखते हैं कैसे बनाना है। मैसेज बॉक्स में इसका लिंक है। मैंने लिया है एक बाउल, इसमें के ऊपर मैंने रखी है छन्नी। सबसे पहले हमारा जाएगा 1.5 कप मैदा, 1 टेबलस्पून कॉफी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप शुगर, ये पाउडर शुगर है, 1/2 कप शुगर, 1/4 कप हमारा कोको पाउडर, छानने के बाद इसमें जाएगा 1 कप के करीब दूध, बट हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको बाद में नीड लगे तो आप थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। याद रखना है आपको एक ही मोशन में, एक ही डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ये देखिए, हमें बैटर बनाना है, सारा दूध इसमें चला जाएगा। कॉफी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। आप हैंड मिक्सर से भी, इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप इसे व्हिस्क कर सकते हैं। बहुत स्मूथली एक हमें बैटर बनाना है। ये देखिए, इसी स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप ऑयल। इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, बट मैंने बहुत क्लियरली बोला है, बट फिर भी ये देखिए बहुत अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। बहुत ही सस्ता पड़ता है ये केक, केक बहुत जल्दी बनता है और ऑल टाइम फेवरेट। ये देखिए, मैंने इस तरीके की एक बेकिंग ट्रे ली है जिसे मैंने ग्रीस करके और फ्लोर से डस्ट करके मैंने रखा हुआ है। हम बनाएंगे शीट केक, हमें इस तरीके की बेकिंग ट्रे चाहिए और ये जो बैटर है मैं इसके अंदर पोर कर दूंगी। Pour it.
बिलीव मी गाइस, बहुत यम्मी एंड डिलीशियस केक बनके रेडी होता है। ये देखिए, जस्ट टैप ये देखिए, टैप करने से आप देखिए इसमें बबल्स निकल रहे हैं। ये देखिए इसमें बबल्स निकल रहे हैं। अब ये हमारा प्री हीटेड ओटीजी में जाएगा 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए। हम चेक करेंगे, अगर तक ये हमारा कुक नहीं होगा तो हम 2 मिनट्स करके और इसे बढ़ाते जाएंगे टाइमिंग को, बट अभी फर्स्ट टाइम ये जाएगा 180 डिग्री 15 मिनट। आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए केक का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा हमारा बेक हुआ है। मैं टूथपिक चेक करती हूँ, ये देखिए एकदम क्लीन निकली है। बट अभी मैं इसको रूम टेम्परेचर पे सेट होने दूंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। मैं इसके ऊपर कुछ सिरप नहीं डालूंगी, कुछ आइसिंग नहीं डालूंगी, जस्ट मैंने आपको टी टाइम केक स्पॉन्ज बना के बनाना सिखाया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये हमारा कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, आपको देखने से ही लगेगा परफेक्ट हमारा केक बन के रेडी हुआ है। मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ। यस, ये देखिए कितना अच्छा हमारा, ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। लुक एट दिस। अब आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के इसे खाइए, आप चाहे इसको गनाश से आप इसे सर्व कीजिए, इट्स अप टू यू।